हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, यानी वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मैंने मुस्लिम लॉ के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करेक्टर्स, काइंड्स एंड रिवोकेशन ऑफ वक्फ। दोस्तों, ये वक्फ इन मुस्लिम लॉ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने वक्फ की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हमने वक्फ के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, वक्त के ऊपर आपको पूरे नोट्स अगर चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहां पर क्लिक करके कंप्लीट नोट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा माननीय वक्फ होता है उसके 3 लक्षण होते हैं, यानी कि उसके 3 करेक्टर्स होते हैं। पहला होता है अप्रतिसरणीयता, इसका मतलब होता है कि अगर एक बार वक्फ कर दिया गया है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, यानी कि अगर वक्फ की घोषणा कर दी गई है तो वो घोषणा क्या होती है, अप्रतिसरणीय होती है, यानी कि इरिवोकेबल होती है। दोस्तों, अबू यूसुफ के अनुसार जो वक्फ की घोषणा होती है वो इरिवोकेबल नेचर की होती है। अगर दोस्तों जो हमारे वक्फ करता है, जिसने वक्फ किया है, अगर वो वक्फ नामा जो वक्फ का डॉक्यूमेंट होता है उसमें इस बात को मेंशन कर देता है, लाइक वो ऐसा मेंशन कर देता है कि जो वक्फ करता है, जिसने वक्फ किया है, उसे परिवर्तन करने का अधिकार है, या फिर कोई ऐसी घटना जिसको उसने वक्फ नामे में मेंशन किया है, उस घटना के घटित होने पर अगर वो ये मेंशन कर देता है कि अगर वो घटना घटित हो जाएगी तो वक्फ शून्य हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वक्फ क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है। अगर जो वक्फ करता है वक्फ करने से पहले इन सब चीजों को वक्फ नामे में मेंशन कर देता है। दोस्तों, हमारा दूसरा वक्फ का लक्षण है शाश्वतता, यानी कि दोस्तों जो वक्फ है वो सीमित समय के लिए नहीं किया जाता, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि वक्फ जो है वो टेम्पररी नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। एक बार वक्फ हो गया तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए संपत्ति का वक्फ हो जाता है, उसमें कोई टाइम नहीं होता है कि इतने टाइम तक हमने वक्फ किया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा तीसरा मान्य वक्फ का लक्षण है अहस्तानांतरणीयता, यानी कि दोस्तों जो वक्फ है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो वक्फ की संपत्ति होती है उसको ऐसा माना जाता है कि वो खुदा में निहित है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो वक्फ की संपत्ति है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है। ये हमारे वैलिड वक्फ के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वक्फ के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वक्फ। दोस्तों, जो वक्फ होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है पब्लिक वक्फ और दूसरा होता है प्राइवेट वक्फ। दोस्तों, जो पब्लिक वक्फ होता है वो सार्वजनिक वक्फ होता है, वो सभी लोगों के लिए किया जाता है, और जो प्राइवेट वक्फ होता है वो संस्थापक द्वारा, यानी जिसने वक्फ किया है वो उसके खानदान के लिए, उसके वंशजों के लिए ही होता है, इसलिए इसको वक्फ अलल औलाद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो वक्फ करता है उसने अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ अजन्मे वंशजों के पक्ष में किया है, यानी कि ऐसा वक्फ जो वक्फ करता द्वारा अपने खानदान के लिए, अपने अजन्मे वंशजों के लिए किया जाता है, वो प्राइवेट वक्फ होता है, जबकि जो पब्लिक वक्फ होता है वो सार्वजनिक लोगों के लिए किया जाता है, पब्लिक के लिए किया जाता है, किसी भी मनुष्य के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए वक्फ किया गया है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ वक्फ, यानी वक्फ का प्रतिसरण, जिसे बोल सकते हैं वक्फ का खंडन या वक्फ का निरसन, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि वक्फ को कैंसिल कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, जब एक बार कोई वक्फ कर दिया जाता है तो वक्फ की जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में निहित हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अगर एक बार वक्फ कर दिया है हमने अपनी संपत्ति का, तो वो संपत्ति जो है वो ईश्वर के स्वामित्व में निहित हो जाती है, उसका जो मैनेजमेंट है वो वक्फ बोर्ड में आ जाता है। तो इस कंडीशन में जो वक्फ है अगर वो कर दिया गया है तो उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी उसको वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा वक्फ है इरिवोकेबल हो जाता है। परंतु दोस्तों, एक वसीयती वक्फ, यानी कि ऐसा वक्फ जो वसीयत के द्वारा किया गया है, उसमें क्या होता है,
जो वक्फ करता है उसके द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, यानी ऐसा वक्फ जो वसीयत द्वारा किया जाए वो वक्फ करता के द्वारा किसी भी समय अपनी मृत्यु से पहले वापस लिया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों वसीयत द्वारा वक्फ कर्ता के मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है, अतः वास्तव में जो रिवोकेशन हुआ है वो वसीयत का हुआ है ना कि वक्फ का। दोस्तों ये तो थे हमारे करेक्टर्स काइंड्स एंड रिवोकेशन ऑफ वक्फ। दोस्तों हम पार्ट फोर में हम वक्फ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा वक्फ का मुतवल्ली होता है वो कौन होता है और उसको नियुक्त कौन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम वक्फ के पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो।